ट्यू में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ सिविक्स की बुक का चैप्टर फाइव विमेन चेंज द वर्ल्ड का पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग देख चुके हैं स्टोरीज के बारे में कि किस तरीके से विमेन के साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। बेगम रुकैया हुसैन की अमार जीवन हमने रमाबाई का देखा है ना। फिर आगे अब हम लोग देखते हैं रुकैया हुसैन के बारे में भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो लेडी लैंड के बारे में लिखती हैं। अब हम देखते हैं स्कूलिंग एंड एजुकेशन टूडे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि पुराने जमाने में कैसे चीज़ें हुआ करती थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आज का समाज में आज क्या सब कुछ चल रहा है। आज के टाइम पे बोथ बॉयज़ और गर्ल्स जो है स्कूल अटेंड करते हैं काफ़ी लार्ज नंबर्स में, येट उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है विमेन बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन में। जो सेंसस हुआ था, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, लोगों की गिनती होती है, उनसे पूछा जाता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये काफ़ी बातें पूछी जाती हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, उनकी एज क्या है, वो स्कूल कितना गए हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी की सारी। इस इन्फॉर्मेशन से हम लोगों को पता लगता है कि कितने लोग हमारे देश में लिटरेट हैं। लिटरेट का मतलब होता है पढ़े लिखे हैं। और रेशियो और मैन एंड वुमेन का क्या है कि मैन के कंपेरिजन में कितनी वुमेन पढ़ी लिखी हैं। तो अगर हम लोग 1961 की बात करें तो 40% जो थे बॉयज़ और मेन्स, मतलब 40% मतलब अगर सारे मेन को हम 100% मान लें तो उसमें से 40% पढ़े हुए थे, ठीक है। और लिटरेसी की डेफिनेशन क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए। मैन एंड वुमेन जिसकी मैन और वुमेन जिनकी एज 7 साल से ज़्यादा है और उन्हें किसी भी भाषा में लिखना आता है और पढ़ना आता है, दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम्स, कम से कम वो अपना नाम तो लिख सकते हैं, तो वो साक्षर हैं, वो पढ़े लिखे हैं। इसके कंपैरिजन में 1961 में सिर्फ और सिर्फ 15% वुमेन ही पढ़ी लिखी थी। इन मोस्ट रिसेंट जो कि 2011 में सेंसस हुआ है, इसमें जो है मैन और वुमेन, सॉरी मेन और जो बॉयज़ हैं वो उनकी जो लिटरेसी रेट है वो 82% है और वुमेन की 65% लिटरेसी रेट है। देखिए लिटरेसी रेट बढ़ा है, ज़्यादा पढ़ने लिखी हैं, पढ़ने लगी हैं वुमेन भी अब, बट फिर भी देखिए कि गैप कितना ज़्यादा है ना। ये 82% है मेन और वुमेन आज भी 65% ही सिर्फ पढ़ी लिखी हैं। इसका मतलब ये है कि प्रपोर्शन जो है कि वो इंक्रीज तो हुआ है स्कूल जाने का, पर गैप जो है आज भी बहुत ज़्यादा है। इस टेबल में हमें पता लगता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के जो हैं बच्चे, मतलब सिंपल सा ही है कि ओवरऑल जो जनरल कास्ट होती है ना, जनरल अपर कास्ट, उसके बच्चे ज़्यादा स्कूल जाते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। और एससी और एसटी भले ही जल्दी स्कूल, मतलब स्कूल जाएं, बट स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल से जल्दी ही वो निकल जाते हैं, काफ़ी सारे रीजन से देखेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा टेबल में कि एससी और एसटी गर्ल्स जो है वो स्कूल छोड़ देती हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई है बाकी ऑल गर्ल की कैटेगरी से। इसका मतलब ये है कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, बैकग्राउंड के लोग हैं, वो स्कूल में कम समय तक के लिए रहते हैं। 2011 के सेंसस में हमें पता लगता है कि मुस्लिम गर्ल्स भी बहुत कम स्कूल में पढ़ पाती हैं, एससी और एसटी गर्ल से भी कम जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो स्कूल में पढ़ती हैं, अपनी प्राइमरी स्कूल भी वो कंप्लीट नहीं कर पाती। इसका रीजन क्या है, इसका रीज़न देखिए ये है, काफ़ी सारे रीजन्स हैं वाई चिल्ड्रन जैसे कि दलित हो गए, आदिवासी हो गए, मुस्लिम, वो स्कूल छोड़ देते हैं। काफ़ी सारे हमारे देश के पार्ट्स में, स्पेशली गांव के इलाके में, जो पुअर इलाके हैं उसमें स्कूल्स प्रॉपर तरीके से नहीं अवेलेबल है। स्कूल्स हैं तो वहाँ पे टीचर नहीं है, स्कूल दूर हैं काफ़ी ज़्यादा घरों से, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वैन या बस, तो पेरेंट्स ना अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते अगर स्कूल दूर होता है या फिर प्रॉपर बस वगैरह की सुविधा नहीं होती है, तो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज इतनी ज़्यादा गरीब होती हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाती हैं। अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो अपने बेटे को पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू उनकी बेटियों को। और कई बार बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, जैसे कि हमने पिछले साल हम लोगों ने पहले भी देखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भेदभाव हुआ था स्कूल में, तो इस वजह से भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि सरकार ने 2014 में कैंपेन लॉन्च किया था, इस कैंपेन के अकॉर्डिंग बेटियों को पढ़ाने की मतलब मांग की जाती है और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, लड़कियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, इस तरीके के प्रोविजन सरकार ने चलाए हैं। अब हम लोग देखते हैं विमेन मूवमेंट के बारे में। अभी देखिए ये जो है ना कि इतने तो एसटी बॉयज़ जो है स्कूल छोड़ देते हैं और इतने ओवरऑल बॉयज़ स्कूल छोड़ देते हैं, तो एसटी बॉयज ज्यादा स्कूल छोड़ते हैं एज कंपेयर टू बाकी सबके। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के जो लड़के होते हैं वो स्कूल जल्दी, मतलब स्कूल जाते हैं बट जल्दी ही स्कूल जाना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है गरीबी की वजह से स्कूल दूर होता है, अनअवेयरनेस होती है। अब विमेंस मूवमेंट के बारे में हम देखते हैं, विमेन या गर्ल्स उनके पास
हक है आज पढ़ाई करने का, आज वो स्कूल जाती हैं। पर काफ़ी सारे स्फेयर्स हैं, जैसे कि देर आर अदर स्फेयर्स, लीगल रिफॉर्म हो गया, वॉयलेंस हो गया, हेल्थ हो गया, जहाँ पर सिचुएशन जो है गर्ल्स की इम्प्रूव हुई है, जैसे कि लीगल रिफॉर्म, अब कानूनी हक लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा मिल गए हैं, है ना। वॉयलेंस मतलब हिंसा के खिलाफ भी अधिकार मिल गए हैं। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जो कि अपने आप ही आ गए। वुमेन ने इंडिविजुअली खुद ही स्ट्रगल किया ये सारे के सारे बदलाव लाने के लिए, आंदोलन किए वुमेन ने। तो वुमेन मूवमेंट का मतलब यही है कि औरतों ने खुद ही आंदोलन करे कि ये सारे जो उनके साथ भेदभाव होते हैं इसको हटाया जाए। तो स्ट्रगल जो होती है ना वुमेन की अपने अधिकारों के लिए, उसको ही हम लोग वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं। इंडिविजुअल वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अपने देश के अलग अलग पार्ट्स में जो है आज फंक्शन कर रही हैं। काफ़ी सारे मेन भी जो हैं वो वुमेन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो डाइवर्सिटी हो गया, पैशन हो गया, एफर्ट्स हो गए, ये एक वाइब्रेंट मूवमेंट का पार्ट होते हैं। मतलब भिन्नता कि कितने अलग अलग तरीके, अलग अलग इलाकों से आई हुई वुमेन इसमें पार्टिसिपेट करती है। पैशन होता है कि भाई हमें समाज में, सिचुएशन में बदलाव लेकर के आना है। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी जाती हैं ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से लड़ा जाए और जस्टिस, न्याय प्राप्त किया जाए। तो इनके स्ट्रगल्स के बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो कैंपेन, स्ट्रगल के कुछ पार्ट्स होते हैं। कैंपेन करना, कैंपेन करने का मतलब होता है भेदभाव से लड़ाई करना। और आपने देखा होगा कि मार पिटाई होती है वुमेन के साथ, मतलब जैसे कि शादी के बाद उनके कभी ससुराल वाले या फिर उनका पति उनको मारता है, पीटता है, तो ये वुमेन के अगेंस्ट वॉयलेंस के केसेस होते हैं। इसके खिलाफ भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स वुमेन ने चलाए हैं, कैंपेन ऑर्गेनाइज करे गए हैं ताकि नए लॉज पास हो कि वुमेन के साथ ये तो अत्याचार होता है ये ना हो। तो 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई किया गया था, जिसमें अगर वुमेन को फिजिकल या फिर मेंटल, फिजिकल मतलब मारपीट की जा रही है, मेंटल मतलब उसको सुना सुना के परेशान किया जा रहा है, वो होती है मेंटल वायलेंस। तो अगर घर में ये सब हो रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और अगर वुमेन इसके खिलाफ कंप्लेन करेगी तो जो उसे परेशान कर रहे हैं उसको सजा दी जाएगी। यह है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सिमिलरली एफर्ट्स लगाए गए हैं वुमेन मूवमेंट के द्वारा, लेट द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 में और भी गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें टू प्रोटेक्ट द Women against sexual harassment at workplace and within educational institution. Sexual harassment का मतलब है छेड़खानी करना या रेप हो जाना, ये जो है ना इसके खिलाफ भी 1997 में गवर्नमेंट ने जो है गाइडलाइंस निकाली थी, अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो उन लोगों को सजा दी जाएगी जो ऐसा कर रहे हैं। 1980s के टाइम पर एग्जांपल के लिए वुमेन के ग्रुप ने पूरे देश में डाउरी डेथ्स, डाउरी का मतलब होता है दहेज, दहेज के नाम पर वुमेन को जला करके मार दिया जाता था। इसके खिलाफ भी वुमेन मूवमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। जो मर्डर कर दिया जाता था इन लॉज, ससुराल वालों के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि वो ग्रीडी होते थे, लालची होते थे कि और दहेज मिलेगा, तो वुमेन ग्रुप्स ने काफ़ी बोलना शुरू कर दिया कि जो फेलियर है जस्टिस की, मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा है उन लड़कियों को, उन औरतों को जिनके खिलाफ ये वॉयलेंस हो रही है। तो औरतें स्ट्रीट पर आ गई, सड़कों पर आ गई, कोर्ट्स में पहुंची और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि ऐसा वुमेन के साथ हो रहा है। इवेंचुअली जो है न्यूज़पेपर्स ने, सोसाइटी ने, जो डॉरी लॉज हैं, मतलब सोसाइटी भी आगे आ गई, सब लोग भी हाँ कि डाउरी गलत है और इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, और न्यूज़पेपर्स ने भी लिखना शुरू करा कि इसके खिलाफ भी क्या होने चाहिए, कानून बनने चाहिए, और अब इसके खिलाफ कानून है। अब सत्या रानी जो है यहाँ पर, ये देखिए, ये सत्या रानी है, ये एक इनकी बेटी जो है दहेज के वजह से उनको मार दिया गया था, तो इनके सामने देखिए कितने सारे वो रखे हुए हैं किताबें वगैरह ना, जो मतलब इन्फॉर्मेशन है कि डाउरी केसेस वगैरह की। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो रेजिंग अवेयरनेस, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, कैंपेन करना। कैंपेन करना मतलब कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और सरकार से न्याय की मांग करना, रेजिंग अवेयरनेस। अब अवेयरनेस फैलाना इंपॉर्टेंट पार्ट है वुमेन मूवमेंट का, कि हम पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएं कि वुमेन के राइट्स के इश्यूज हैं क्या क्या, उनको मैसेज स्प्रेड करें, स्ट्रीट प्लेज मतलब जो वो होते हैं ना, नुक्कड़ नाटक करें सॉन्ग्स के थ्रू, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू। तो अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, गानों के थ्रू, प्ले करके और मीटिंग्स करके, कि किस तरीके से वुमेन को अत्याचार नहीं सहना चाहिए और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करना। वुमेन मूवमेंट जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हैं जब वायलेशन मतलब जब नियमों को तोड़ा जाता है, वुमेन के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तो उसको प्रोटेस्ट करा जाता है कि भाई जो लॉ पॉलिसी है वो वुमेन के हक में काम करे। पब्लिक रैली निकाली जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन किए जाते हैं, ये काफ़ी पावरफुल वे है अटेंशन को ड्रॉ करने का इनजस्टिस के खिलाफ, मतलब कि जो भेदभाव हो रहा है वुमेन के साथ,
उसके खिलाफ जो है एक मुहिम चलाई जाती है, सड़कों पर आकर के नारे लगाना और सरकार को और लोगों को अवेयर करवाना, एक तरीके से ये मैसेज देना कि भाई जो गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, होता है प्रोटेस्ट करना, एक तरह से विद्रोह करना उसके खिलाफ जो गलत कर रहा है। शोइंग सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी का मतलब है कि एक तरह से वो होता है ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, और वो होता है ना एक भावना ये फील करवाना उन लोगों को जिनके साथ गलत हो रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम हैं और आपको न्याय मिलेगा। तो यही होता है शोइंग सॉलिडारिटी। वुमेन मूवमेंट ने काफ़ी सॉलिडारिटी पे शो करी है दूसरी वुमेन के लिए और उनके कॉज के लिए। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट, मतलब पूरी दुनिया साथ में आती है और सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल वुमेन्स डे को। अब वुमेन देखिए कैंडल होल्ड अप कर रखी है कि सॉलिडारिटी होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में 14 अगस्त जो है, 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, हमारा जैसे 15 होता है ना, उनको एक दिन पहले जो है आज़ादी दे दी गई थी। अब क्यों अगर आपका इसको आप